नमस्कार। आज मैं गाजर का मुरब्बा बनाऊंगी। और अभी सर्दियां का सीजन चल रहा है तो गाजर का मुरब्बा हम बनाएंगे। अभी इस सीजन में गाजर अच्छी तरह फ्रेश मिल जाता है। देखिए, ये बहुत टेस्टी लगता है और एकदम गुलाब जामुन के जैसा टेस्ट आता है और कितना सॉफ्ट भी बना है। तो इसको आप सर्दियों में बना करके गर्मियों में खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है 500 ग्राम गाजर का। हमने गाजर का छिलका छील लेंगे पतला पतला। तो मैंने रेड वाला गाजर लिया है। इसको हम 1-1 इंच टुकड़ों में काटेंगे। तो ऐसे मोटाई, इतना मोटाई में आपको काटना है। तो इसी तरीके से मैं सारे गाजर को काट लूंगी और जो जड़ है उसको हम दो हिस्सों में काटेंगे। यहाँ पे एक भगोने में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए उबालेंगे गर्म पानी में। 10 से 12 मिनट ही उबालना है। उससे ज्यादा आपको नहीं उबालना है, क्योंकि ज्यादा उबालेंगे तो गाजर हमारा टूट जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर से हम इसको चीनी में पकाना है तो इसको 10 मिनट ही उबालना है। तो 10 मिनट उबालने के बाद मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि उबला है या नहीं। देखिए, एक फॉक से हम चेक करेंगे। तो हमारा गाजर जो है ये पक गया है। इसको हम एक कॉटन टॉवल में निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको पोंछ लेंगे, या फिर आप फैन के नीचे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद फॉर्क से हम इसी तरह से छेद कर लेंगे चारों तरफ से। ऐसे करने से हमारा जो शुगर सिरप में ये पकेगा, तो शुगर सिरप में पकने के बाद अंदर तक ये शुगर सिरप जाएगा और सॉफ्ट बनेगा। तो ऐसे मैं सारे गाजर को छेद कर लूंगी। ये पहले से उबला हुआ है तो छेद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद हम चीनी डालेंगे 300 ग्राम। गाजर में चीनी डाल के आपको रख देना है लगभग 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर रात भर के लिए रख दीजिए। तो इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे 6-7 घंटे के लिए। 6-7 घंटे के बाद मैं खोल के देख रही हूँ तो गाजर में जो भी पानी था चीनी के साथ मिल करके पूरा ऑब्जर्व हो गया है। मतलब पानी छोड़ दिया है चीनी और गाजर का, और पूरा मिक्स हो गया है अपने आप। तो ये एक सिरप, शुगर सिरप जैसा बन गया है। तो हम अभी इसको 10 मिनट के लिए फिर से हम उबालेंगे। थोड़ा सा चीनी का जो सिरप है इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। गाजर जो है पकने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। देखिए, बड़ा बड़ा दिख रहा था तो अभी छोटा हो गया है थोड़ा सा शुगर सिरप में पकने के बाद। अभी यहाँ पे मैंने दो इलायची डाल दिया है फ्लेवर के लिए। 10 मिनट पकने के बाद मैंने इलायची डाला है इसमें। गाजर देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी शुगर सिरप में पकने के बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। अभी आपको 10 मिनट ही पकाना है, ज्यादा गाढ़ा सिरप को नहीं करना है। एक बार ऐसे झाग आ जाए तो उस टाइम आपको बंद कर देना है, ना कि आपको एक एक तार दो तार वाला चाशनी नहीं बनाना है आपको। तो सॉफ्ट हो गया है, अभी देखिए कितना सॉफ्ट पका है गाजर का मुरब्बा। इसको आप किसी भी कांच का कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।